नासिक में उद्धव ठाकरे ने एक रैली में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष ने मंच से बोलते हुए दावा किया कि बीजेपी 5 जून को बट जाएगी। ठाकरे ने यह भी दावा किया कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। 2014 और 2019 के चुनाव में उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के लिए कभी वोट मांगे थे, इस पर अब उन्होंने माफी मांगी है। उद्धव ठाकरे का बयान उस समय आया जब पीएम मोदी ने कहा था कि शिवसेना यूबीटी का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। नासिक में उद्धव ठाकरे ने एक रैली में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष ने मंच से बोलते हुए दावा किया कि बीजेपी 5 जून को बट जाएगी। ठाकरे ने यह भी दावा किया कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। 2014 और 2019 के चुनाव में उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के लिए कभी वोट मांगे थे, इस पर अब उन्होंने माफी मांगी है। उद्धव ठाकरे का बयान उस समय आया जब पीएम मोदी ने कहा था कि शिवसेना यूबीटी का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। नासिक में उद्धव ठाकरे ने एक रैली में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष ने मंच से बोलते हुए दावा किया कि बीजेपी 5 जून को बट जाएगी। ठाकरे ने यह भी दावा किया कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। 2014 और 2019 के चुनाव में उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के लिए कभी वोट मांगे थे, इस पर अब उन्होंने माफी मांगी है। उद्धव ठाकरे का बयान उस समय आया जब पीएम मोदी ने कहा था कि शिवसेना यूबीटी का कांग्रेस में विलय हो जाएगा।